ऑल राइट गाइस, तो अपना जो बेस है वो रेडी हो चुका है। सो तुम लोग तैयार हो? 3 2 1। ऑल राइट गाइस, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं माइनक्राफ्ट में एक जाइंट बेस। हाँ, बहुत बड़ा सा, मस्त सा, एकदम खूबसूरत सा बेस बनाने वाले हैं। तो या उससे पहले गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर तुम लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। बाकी तुम सब्सक्राइब करो। अभी हम लोग बनाने वाले एक मस्त सा एक जाइंट बेस, मतलब तगड़ा बेस भाई। तुम लोग देखोगे ना, मजा आ जाएगा तुम लोग को। बाय द वे, हम लोग ना बैम्बू से भी वो बना सकते हैं ना, ब्लॉक, एक नया ब्लॉक ना। रुक जाओ एक सेकंड, चलते हैं गाइस फटाक से ना। बैम्बू से कैसे बनता था वैसे पता नहीं है हमको, कायदे से ऐसे बनता था शायद से, नहीं बनता ऐसे, बनता होगा। ओके ये देखो ऐसे बनता है ना। तो एक सेकंड रुक जाओ, पहले ना हम यहाँ पे ये करते हैं, इसको ना जितना बनता है बना लेते हैं अभी फिलहाल के लिए। और इससे हम लोग ना ये बना सकते हैं शायद से, ये देखो बैम्बू बोर्ड बना सकते हैं। और इससे ऐसे क्या बनता है, कुछ नहीं बनता इससे, ठीक है। तो इससे हम लोग बैम्बू की जो वुड है वो बना सकते हैं, एंड इससे काफी सारी चीज हम लोग, हाँ एक राफ्ट भी आई थी, थोड़ा बहुत फीचर हम लोग चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अरे यार पानी नहीं डालना था भाई। हाँ तो ये देखो यार, ये है राफ्ट अपनी, मस्त है देखने में तो काफी। और भी कुछ आया था, और क्या आया था इसमें है, ये क्या हो गया? अबे वुड नहीं, वुड देख रहे हो कहाँ चली गई भाई, वही तो सोचे। हाँ ठीक है, एंड एक डोर आया है, एंड फेंस भी है, और यहाँ पे शेयर वगैरह, एंड एक साइन भी है। बाकी हम लोग डोर देखना चाहिए, क्या डोर देखना है भाई, कैसा था, मस्त मस्त लग रहा है वैसे डोर देखने में तो, बट ठीक है। ये देखो भाई ग्लिच भाई। हाँ ठीक है, ये देखो भाई बोर्ड भी देखने में मस्त, बोर्ड कह रहे हैं, डोर देखने में भी मस्त है काफी ज्यादा। एक काम करें क्या, नहीं यार मेरा वो जो बाहर लगा ना, ओ ये देखो अभी मारने में एचपी एचपी निकल ली भाई। एक सेकंड, एक सेकंड गाइस, इसको अभी के लिए फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पर रख देते हैं। हम लोग ने काफी सारा वो उगाया था, दैट्स वाई अपने पास काफी सारा बैम्बू है। ये डाल देते हैं, इसको भी डाल देते हैं, इसका काम नहीं है, जो जो सामान का वो इधर ही रख देते हैं, लॉग भी रख देते हैं। और ये बीकन, बीकन भी इधर भाई, मेरे पास इतना बीकन है ना लिटरली, अभी दिखाते हैं तुम लोग को। 3 बीकन यहाँ है, 4 या 5 बीकन शायद बाहर पड़ा होगा, 4 या 5 पता नहीं, ठीक है। बाकी ये सब सामान काम का है, तो इसमें से 2 शेलकर खाली है। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग ने एरिया सेलेक्ट कर लिया है, तो हम लोग ने ये वाला एरिया सेलेक्ट किया है इसको बनाने के लिए। कायदे से तो ये एरिया हमने किसी और चीज के लिए सोचा था, बट ठीक है अभी फिलहाल के लिए ये एरिया काफी मस्त है। यहीं पे हम लोग अपना बेस बनाने वाले हैं तगड़ा सा, क्योंकि इसमें भाई इस डब्बे में रह रहे के थक गए, और ये कासल तो है भी नहीं। बाय द वे हम लोग यहाँ पे बेस बनाने वाले हैं, तो फटाफट से चलते हैं गाइस। इसका एरिया तो 99.99 का है, बट हम लोग 100 लेके चलेंगे ताकि कोई भी बिल्ड मेरा खराब ना हो यहाँ पे, लाइक मतलब ये अपना डीप डार्क। और यहाँ पे ओ ये देखो ना, चेरी सैपलिंग ट्रेड कर रहा है, ट्रेडर नहीं आया यार, काश ट्रेडर आता ना उससे हम ना वो खरीद सकते थे गाइस। ओ ये क्या पड़ा है भाई, लीड और ये लेदर है भाई, ट्रेडर आया था लगता है किसी ने मार दिया। छोड़ो चलो फटाफट से मार्केट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग यहाँ तक देख सकते हो, थोड़ा बहुत सा यहाँ पे जो एरिया हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा, लाइक मतलब ये ट्री क्लियर करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे थोड़ी बहुत ना फिल करना पड़ेगा डर्ट लाके। खैर वो तो ज्यादा बड़ा काम नहीं है, तो हो जाएगा। बाकी यहाँ तक अपना आ रहा है, तो या हम लोग फटाफट से एक काम करते हैं, तो अभी के लिए लगा दो भाई, ठीक है। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं, एंड करते हैं पहले यार ये एरिया क्लियर करते हैं, एंड थोड़ा बहुत अगर लैग सा हो रहा हो ना तो यार थोड़ा सा इग्नोर कर देना उसको, बाकी तो मिल चिकिंग भाई, मिलते हैं तुम लोग से सीधा एरिया क्लियर करने के बाद। फाइनली पीछे देख सकते हो, यहाँ पे मतलब पीछे देखो अभी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने मस्त करके पूरा एरिया मार्क कर दिया है, लाइक मतलब 99 का है, एक एक एरिया एक्स्ट्रा दे दिया 100 मान लो, ठीक है। थोड़ा बहुत एरिया एक्स्ट्रा भी दिया है ताकि लाइक मतलब अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो एरिया उसको आराम से मिल जाए, कुछ खराब ना हो, कुछ तोड़ना फोड़ना ना पड़े। एंड आना यार ये जो वार्डन को लेके आएंगे तब, मतलब वार्डन को जब लेके आए तब का है भाई, इसको हटाना है यार, अभी अभी हटाएंगे इसको। खैर हाँ, तो गाइस हम कह रहे थे कि अभी हम लोग काफी सारा सामान चाहिए, लाइक मतलब हम लोग को कितना, लगभग हम लोग को काफी सारा क्वार्ट्ज चाहिए, एंड तुम लोग को पता होगा अगर हम लोग क्वार्ट्ज नॉर्मली माइन करने जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो क्यों ना हम लोग पिगलिंग बार्टर फार्म बना ले, या पिगलिंग ट्रेड फार्म कह लो, जो भी कह लो।
तो या हम लोग वही फार्म बनाने वाले हैं, 6384 हम लोग को चाहिए होगा स्मूथ क्वार्ट्ज। हाँ, स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक हम लोग को चाहिए इस टाइम पे 6384। तो या गाइस, तो काफी सारा सामान है इस फार्म के लिए, तो चलो गाइस फटाफट से जमा करते हैं फार्म एंड मिलते हैं तुम लोग से सीधा सामान जमा करने के बाद एंड बनाते हैं फार्म। ठीक है, फार्म फार्म पे ही मिलते हैं तुम लोग। ओके गाइस, तो अपना पिगलिंग ट्रेडिंग फार्म तैयार है। बहुत ज्यादा ही टाइम लगा इस फार्म को बनाने के लिए। देखो मेनली सबसे ज्यादा टाइम हम लोग को पीछे ये आइटम सॉर्टर बनाने के लिए लगा। काफी ज्यादा इसमें मतलब लाइक दिक्कतें आ रही थी, तो या वो सॉर्ट करने के चक्कर में वहां पे तुम लोग देख पा रहे हो कि दो जगह आके, ठीक है, कायदे से तो सारा आइटम जितना भी खराब आइटम था वो इधर आके जल जाता, बट जितना भी आइटम था ना वो यहीं पर रुक जा रहा था, लाइक इससे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। हमने काफी ट्राई किया सब कुछ, तो हमने आखिरी में क्या किया, जितना भी मेन सामान था वैसे भी हम लोग ने पहले ही उसको रख दिया था, तो यार जितना भी मेन सामान अपना पहले ही चला जाएगा एंड बाकी जो कूड़ा कचरा होगा ये यहाँ के जल जाएगा। तो या इसलिए हमने ये किया क्योंकि उस काम का हमें सामान ही मतलब सामान का काम ही नहीं था। जो पीछे पोर्टल देख रहे हो ना ये है डायरेक्ट अपने घर पे निकलता है ताकि हम लोग डायरेक्ट नेदर रूफ आ सके। वैसे हमने यहाँ पे तो एक बेडरॉक तोड़ ही दिया था, वैसे तुम लोग को ट्रिक पता है, बताने की जरूरत नहीं, आम ट्रिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक तोड़ा था हमने और ये निशानी के लिए ताकि हम भूल ना जाए। भाई यहाँ पता ही नहीं चलता यार कि कौन से बेडरॉक में वो होल है। लिटरली 115 स्टैक चाहिए ब्लॉक का, स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक का, एंड प्लस हम लोग को 15 स्टैक स्लैब भी चाहिए होगा स्मूथ क्वार्ट्ज का। तो यह बहुत सारे ही क्वार्ट्ज चाहिए उसके लिए। बाकी जो काम का सामान नहीं था वो देखो भाई, चेस्ट भर भर के दे रहे हैं भाई, हमको क्वार्ट्ज चाहिए लोग क्वार्ट्ज नहीं दे रहे। बाकी ये देखो ग्रेवल, देखो भाई वैसे ना हम लोग कायदे से कॉन्क्रीट का भी काम है, ब्लैक स्टोन यहाँ पे भरा पड़ा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत एंटरपल्स आई है, तुमको दिखाते हैं, ये एंटरपल है एंड यहाँ पे आयरन है। वैसे भी अब आयरन की यूजिंग नहीं है अपने पास, आयरन फार्मिंग। यहाँ पे क्राइंग ऑक्सीडियन आ रहा है एंड यहाँ पे ऑक्सीडियन आ रहा है अपना मस्त करके। यहाँ पे अपना सोल्स है एंड यहाँ पे फायर चार्ज एंड यहाँ पे पहले हमने नेदर ब्रिक का रखा था बट जब मेरा आइटम नहीं आ रहा था तो हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया, तो अभी स्ट्रिंग आ रही है एंड इसमें आ रहा है अपना लेदर। ठीक है, तो या गाइस ये अपना फार्म। 10 या 15 स्टैक हम लोग को सियान ग्लास चाहिए होगा, सियान स्टेन ग्लास। तो या उसके लिए पहले हम लोग को सियान डाई बनाना होगा एंड डाई के लिए हम लोग को बनाना होगा एक फार्म, क्योंकि अगर तुम लोग को पता हो तो सियान डाई ब्लू डाई और ग्रीन डाई को मिलाने से बनती है एंड ब्लू डाई हम लोग को तो ब्लू वाले फ्लावर से मिल जाएगा एंड ग्रीन डाई तुम लोग जानते हो हम लोग को, अगर हम लोग कैक्टस स्मेल्ट करते हैं तो उससे मिलती है ग्रीन डाई। तो या गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग पास कैक्टस तो काफी सारा है क्योंकि अगर तुम लोग को याद होगा तो बहुत पहले हम लोग जो क्रीपर वाला जो ग्लास बनाया था उसमें काफी सारी ग्रीन डाई का काम था, तो हम लोग ने एक कैक्टस फार्म बनाया था, अपने पास काफी सारी ग्रीन डाई शायद से अभी भी वहां पे होगी। तो हम लोग चलते हैं फटाफट से चेक करते हैं एंड बनाते हैं एक फ्लावर फार्म ताकि हम लोग को ब्लू डाई काफी सारी चाहिए। बाय द वे गाइस, तुम लोग अगर नहीं पता हो तो 1.19 का जो चंक लोडर था वो 1.20 में वर्क नहीं करता। हम लोग जब अपने सैंड फार्म पे लाइक मतलब अपना एंड में जो सैंड ड्यू पर है वहां पे हम लोग एफ के गए, देन हम लोग ने चंक लोडर ऑन किया, देन वो वर्क नहीं कर रहा था। तो या ये 1.20 का ये चंक लोडर है, लाइक मतलब तुम लोग को दिखाई देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे ना ये हिस्सा तुम लोग को कवर करना होगा ताकि जो भी आइटम तुम इसमें डालो वो सीधा हॉपर में गिरे। ठीक है, कुछ इस तरीके से तुम लोग को ये एरिया कवर करना होगा। ट्यूटोरियल ले लो गाइस, कुछ इस तरीके से तुम लोग को ये एरिया कवर करना होगा। जब यहाँ पे एक हॉपर आएगा, इसको अभी हम तोड़ देते हैं एंड यहाँ पे भी एक ड्रॉपर लगना, क्या हो रहा है भाई। ओके, तो यहाँ पे एक ऊपर साइड फेस करके ड्रॉपर लगेगा एंड ये पोर्टल तुम लोग डीएक्टिवेट कर देना, जब पोर्टल एक्टिवेट मत रखना जब वो बना रहे हो एंड यहाँ सामने से तुम लोग को एक और ड्रॉपर प्लेस करना होगा एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिपीटर एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वर, यहाँ पे रेड स्टोन डस्ट और यहाँ पे एक लीवर। ठीक है, और एज इट इज सेम थिंग तुमको वहाँ नेदर में बनाना होगा, बट पहले तुमको इसमें एक आइटम डालना होगा और जो जाके नेदर में ड्रॉप होगा, जिस साइड वो ड्रॉप होगा उसी साइड तुमको ये पूरा सेम प्रोसेस कर देना है, देन तुम्हारा चंक लोडर तैयार हो जाएगा एंड इसी ट्यूटोरियल के एक लाइक कर दो भाई।
ट्यूटोरियल दे दिया भाई 2 मिनट में तुमको। ऑल राइट गाइस, तुम लोग कासल पे आ चुके हैं, और हाँ तुम लोग कह रहे हो भाई ये कासल कब आया, एंड हाँ ये कासल बना रहे थे, इसकी वीडियो भी थी मेरे पास, बट वो पता नहीं कैसे डिलीट हो गई, तो या मेरे पास अब इसकी कोई वीडियो भी नहीं है, तो इसलिए ये कासल आधा अधूरा भी है, क्योंकि ये पूरा बना भी नहीं, क्योंकि मेरे पास वीडियो नहीं थी तो आगे बढ़ा भी नहीं सकते थे, तो या एक बार को तोड़ने का मन किया, बट इसमें काफ़ी सारे रिसोर्स एंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाए, तो इसलिए हम इसने इसको नहीं तोड़ा, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इन फ्यूचर इसको कंप्लीट भी कर देंगे, अगर आधी वीडियो देखना तो बताना, वैसे कौन ही देखेगा। खैर ओके गाइस, तो हम कह रहे थे कि हम लोग को एक फ्लावर फार्म बनाना, ताकि हम लोग को काफ़ी सारी डाई मिल सके, ताकि हम लोग अपने डाई से सियान ग्लास बना सके, ठीक है, सियान स्टेन ग्लास। हाँ तो तुम लोग सोच रहे हो कि हम कासल पे क्यों आए, तो कासल पे हम इसलिए आए हैं क्योंकि, चलो भाई तुमको दिखाई देते हैं भाई, ये देखो गाइस एक बार यहाँ पे ब्लू डाई, भाई तुम लोग ब्लू फ्लावर देखो, यहाँ पे लिटरली पूरी पूरी खदान पड़ी है भाई यहाँ पे, ये देखो ना यहाँ से भाई ये पूरा कवर्ड है, मतलब देख रहे हो गाइस, देख सकते हो भाई ये लिटरली पूरा ब्लू वाले फ्लावर से कवर है जो हमको चाहिए, एंड यहाँ पे भी होगा, हो सकता है, चलते हैं आगे, इधर हम आए नहीं है ज़्यादा, ठीक है भाई, हम ज़्यादा ना अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर नहीं कर रखा है। ओके वो देखो भाई साहब, लिटरली वहाँ पे देखो भाई वो पूरा माउंटेन भरा पड़ा है। लेट्स गो गाइस, फिर फटाफट से कलेक्ट करते हैं यहाँ से जितनी भी डाई मिलती, देन मिलते हैं तुम लोग सीधा डाई कलेक्ट करने के बाद, वहाँ पे एक विच है, छोड़ कोई बात नहीं, मेरे से मतलब ही नहीं है। तो निकलते हैं गाइस फटाफट से पिकलिंग ट्रेडिंग फार्म के लिए, एंड वहाँ पे करते हैं एसके काफी टाइम तक, ताकि काफी सारा क्वार्ट्स हम लोग को मिल सके, एंड हम लोग बना सके मस्त करके, एंड हम लोग बना सके अपना क्वार्ट्स ब्लॉक एंड क्वार्ट्स लैब। तो यार मिलते हैं तुमसे सीधा, मतलब जाते हैं। ऑल राइट गाइस, तो 8 घंटा AFK करने के बाद फाइनली हम लोग बस इतना सारा क्वार्ट्स हो चुका है कि हम लोग को जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा ही हो चुका है, ठीक है, तो चलो फटाक से दिखाते हैं, देरी की बात की, लेट्स गो दिखाते हैं, एंड ना थोड़ा बहुत लैग मार रहा होगा ना तो इग्नोर कर देना, ठीक है। बाकी यहाँ आप देख सकते हो 1, 2 और ये भी चेस्ट देखो, यहाँ पे टोटल 6 चेस्ट है जो पूरी की पूरी फुल है, एंड ऐसा नहीं है कि एक है, ये मतलब 2 है ना, 2 मतलब यार क्या कहते हैं इसको, हाँ 2 पे लाइक मतलब 3 स्टोरेज है क्वार्ट्स की, एंड ये दोनों चेस्ट फुल है, एंड ये तो इसमें से 5 है, बाकी ये पूरा फुल है, जितना हम लोग को चाहिए था उससे ज़्यादा इनफ है, क्योंकि हम लोग को टोटल 115 स्टैक चाहिए था, नहीं हम लोग चाहिए था टोटल 100 स्टैक, एंड 15 स्टैक हम लोग को स्लैब्स के लिए चाहिए था, तो उस हिसाब से हम लोग ने जब कैलकुलेट किया तो 8 चेस्ट फुल डबल चेस्ट उसमें हम लोग को चाहिए था क्वार्ट्स, एंड 8 चेस्ट से ज़्यादा ये 12 चेस्ट फुल मिल गई। खैर बाकी जितने काम है हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, एंड भाई मेरे पास शेल्कर नहीं है, तो चलते हैं फटाक से ना ओवरवर्ल्ड में, वहाँ से काफ़ी सारे शेल्कर बना के लाते हैं, कितना शेल्कर लगेगा पता नहीं, हम एक काम करते हैं ना, एक यहाँ से सीधा ही थोड़ा बहुत शेल्कर लेके आते हैं, यहाँ से क्वार्ट्स बना के लेके चलते हैं, वहाँ पे स्मेल्ट भी करना पड़ेगा, तुम लोग को पता होगा अगर क्वार्ट्स हम लोग को स्मूथ क्वार्ट्स बनाना है तो उसको पहले स्मेल्ट करना पड़ता है, तो यार चलो फटाक से चलते हैं ओवरवर्ल्ड में। ऑल राइट गाइस, तो हम लोग ने जितना भी सामान चाहिए था हम लोग ने जमा कर लिया, लाइक मतलब ग्लास वगैरह और क्वार्ट्ज़ जितना भी चाहिए था हम लोग ने जमा कर लिया, तो यार लेट्स गो दिखाते हैं, एंड एक बात बताते हैं तुम लोग को, ठीक है भाई, हमसे बड़ा गधा कोई नहीं होगा भाई, अगर वो बात तुम लोग सुन लोगे। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो 5 शेल्कर है ना, 1, 2, 3, 4, 5, हाँ 5 शेल्कर है जिसमें क्वार्ट्ज़ स्मेल्ट हो रहा है, लाइक मतलब ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज़ से स्मूथ क्वार्ट्ज़ ऑफ ब्लॉक मिल रहा है, एंड यहाँ पे 1 शेल्कर मतलब आधे शेल्कर तो अभी बन चुका है, एंड ये देखो तुम लोग को दिखाते हैं भाई, तुम लोग को पता है ये स्मूथ क्वार्ट्स हमको कहाँ से मिलता है, इधर से भाई, लिटरली 3 से 4 शेल्कर यहाँ पे रखा है, अबे अभी क्यों जलना चालू है भाई, चल भाई यहाँ से, अबे क्रीपर तुम मत आ, ठीक है गाइस, तो हम लोग को यहाँ से मिला 1, 2, 3, 4 शेल्कर मिला है ना, हम लोग को 5 शेल्कर चाहिए होगा, सारा सामान हम लोग ने कलेक्ट कर लिया है, एंड अब हम लोग चल सकते हैं अपना बेस बनाने के लिए।
ऑल डन गाइस, तो हम लोग का आधा बेस तैयार हो चुका है जो हम तुमको दिखाने वाले हैं, क्योंकि हमने सोचा क्यों ना थोड़ा थोड़ा दिखा भी दे, क्योंकि देखो पूरा बिल्ड करते हुए नहीं डाल सकते क्योंकि रिकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग थोड़ा थोड़ा बीच में दिखाते रहेंगे एंड थोड़ा बहुत बिल्ड भी डालते रहेंगे। बाय द वे देख सकते हो यहाँ पे फ्रंट पे कि अपना जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तैयार हुआ है कह सकते हो अंदर का, ठीक है अभी तो काफी ज्यादा बाकी है। चलो फिर गाइस लगते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ ऑलराइट गाइस, तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे और भी अपना बेस जो है आधा मतलब स्ट्रक्चर बन के लगभग तैयार हो चुका है, थोड़ा बहुत सा बचा है। हमें कुछ ज्यादा ही मेहनत लग रही है क्योंकि सर्कल बनाना पड़ रहा है, सर्कल माइनक्राफ्ट में हमने कभी बनाया नहीं था। ये पहला बेस है जिसमें हम सर्कल यूज कर रहे हैं। खैर ये बेस सर्कल शेप का नहीं है, अंदर ही अंदर है, बट अभी ये पूरा हुआ ही नहीं है ना, तो बाद में अभी पता चलेगा। बाय द वे पहले चल के सोते हैं भाई, फैंटम्स इतने स्पॉन हो रहे हैं ना भाई, क्या ही बताएं। ऑल राइट गाइस, तो अपना जो बेस है वो रेडी हो चुका है, सो तुम लोग तैयार हो? 3 2 1। ये देखो भाई साहब, इसको कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया मेरे सोच से ज्यादा। ये भाई बीकन आ गया भाई बीच में, ये बीकन का वो आ गया ना, खराब कर रही है ठीक है। बाकी ये देखो भाई, ये रात में इसलिए दिखा रहे क्योंकि रात में कुछ ज्यादा ही ब्राइट लगता है भाई। तो चलो गाइस आज के इस वाले वीडियो के लिए इतना ही, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ वीडियो को भी एक लाइक कर देना।